हैं तो फिर हम इसको कर लेते हैं। जी, मीनवाइल हम अपने क्लास के ऊपर जाते हैं। एक बार मुझे इसका, कल आपने कहा था कि इसका सीक्वेंस भी बता दीजिएगा मुझे। क्या सीक्वेंस? आपने कहा था ना कि मंत्रों की ऊर्जा डालने के लिए ये सीक्वेंस होता है कि पहले आप विश्वामित्र, वशिष्ठ ऐसे करके बता रहे थे ना, फिर अपने गोत्र के ऋषि, फिर मैं ये खुद कह फिर अपनी रहा पत्नी। था, मेरा ये कहना था कि जब भी हम ऊर्जा उठाकर अपने में डालते हैं जी तो हमारे भीतर एक ग्रैटिट्यूड का भाव होना चाहिए। तो वो ग्रैटिट्यूड किस किस चीज के लिए है? वो ग्रैटिट्यूड अपने शरीर के लिए है, अपने पत्नी के शरीर के लिए है, अपने बच्चों के शरीर के लिए है, अपने घर के शरीर के लिए है। तो ये सब जगह शरीर है ना। अब शरीर का मतलब तीनों शरीर एक साथ है। फिर जी उसके बाद इन सब से संबंधित जो गोत्र है तो उस गोत्र के लिए, तो उसका जब हम आभार प्रकट करते हैं तो आभार इस प्रकार से प्रकट करते हैं कि इस गोत्र में जिस जिसने भी जन्म लिया उन सबके निमित्त ये ऊर्जा जाए। फिर गोत्र के बाद आता है पितृ, कि हमारे कुल कुटुंब में जितने भी पितृ हुए हैं उन सबके निमित्त ये ऊर्जा जाए। फिर क्योंकि हम शुक्ला हैं तो हमने इस भारतवर्ष में जन्म लिया है, तो इस भारतवर्ष में जिसको भी ऊर्जा की आवश्यकता है अपनी मुक्ति के लिए उनको ये ऊर्जा जाए। और मैं जहां भी जाऊं, जिधर भी बैठूं, वहां पर कोई भी अगर अतृप्त अवस्था में है तो उसको ये ऊर्जा का अंश मिले। तो अब आपके पास तो वो सवाल आख है ही, आपका ध्यान भी फिक्स हो गया, आप जितनी बार चाहो उससे ऊर्जा उठा के डाल सकते हो। तो ये ऊर्जा जो कागज पे लिखी गई, मतलब 7-8 साल का तो मुझे ही ध्यान है कि मैंने एक दफे एक सज्जन मेरे पास आए हुए थे तो उनसे कुछ हीलिंग रिलेटेड डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये बोले मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा ये दर्द क्यों हो रहा है? बोले मैं फलाने व्यक्ति की हीलिंग कर रहा हूँ, इस कारण से जो है वो मेरे को दर्द हो रहा है। तो मैंने आरती को बोला कि वो वाला तुम हीलिंग कर दो। तो आरती ने हीलिंग करी तो हंसने लगे, नहीं मुझे ये पता चल रहा आप हीलिंग कर रहे हो लेकिन ये दर्द अभी है ठीक ठाक है। तो फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से आरती दूसरे मंत्रों से डालती है। तो वो कहते हैं कि देखिए आपने यहाँ पर हीलिंग डाली, यहाँ पर हीलिंग डाली, मुझे पता चला लेकिन ये दर्द अभी। मतलब उनके बात करने की शैली इस प्रकार से थी कि ये कोई बच्चों वाली चीज नहीं है कि आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हो। तो अब ब्राह्मण को तो कोई चैलेंज कर दे उसकी डोमेन में तो ब्राह्मण की तो फट से जो है वो हो जाता है कि अरे ऐसी कौन सी परशुराम शक्ति बन है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो जाता ब्राह्मण के मंत्र के आगे खड़ी भी हो जाए। मैं तुरंत अपने कमरे में गया और मैंने अपने पुराने रजिस्टर निकाले, उसमें मैंने श्रीमद् देवी भागवत जो है, तो सॉरी श्रीमद् भगवद् गीता के 7वें अध्याय को लिख रखा था, क्योंकि मैं बहुत बार पाठ करता था उसका गंगा जी में खड़े होके। तो अभी भी कहीं मौका मिलता है तो मैं फट से गंगा जी में खड़े होके 7वें अध्याय का ही पाठ करता हूँ। तो मैंने वो जो है वो उस पर लिख रखा था रजिस्टर पे, और आई थिंक 6-40 बार लिख रखा था। तो वो जो रजिस्टर था वो मैंने उस व्यक्ति के सामने रखा, तो उसने फट से वो थम्स अप मार जैसे करते हैं ऐसे करके उसने जो है वो करा। तो मैंने आरती को बोला कि इससे एनर्जी उठाकर इसमें डाल दो। तो अब वो एनर्जी जब गई तो दर्द तुरंत चला गया। तो मैंने पूछा कि चला गया? बोले जी आप जिस सेकंड वो रजिस्टर लेकर उस कमरे के अंदर खड़े हुए थे इतनी देर में जो है वो वहां से दर्द चला गया था। और ये है क्या,
जिसकी शक्ति इतनी ज्यादा, बोले ये काम तो हम लोग करते हैं। वो वास्तु एक्सपर्ट रहे तो जगह जगह जाते थे, तो कहीं कोई जमीन में भूतिया चक्कर है या कुछ है। बोले ये शक्तियां आपके पास क्या कर रही हैं, ये तो हमारे काम की शक्तियां हैं। मैंने कहा जी ये तो एक प्रक्रिया ही फर्क है, क्योंकि हम कोई चीज में मिसयूज नहीं करते, बट ऐसा तो है ही नहीं कि किसी चीज का ध्यान करें और वो चीज रास्ते में मार्ग में बाधा आ जाए। तो ये मुझे उस दिन पर, और वो मैंने ऑलमोस्ट बहुत साल पहले लिखा था और लिखकर छोड़ दिया था रजिस्टर, अब वो दबा हुआ पड़ा हुआ था कहीं अलमारी अलमारी में। तो उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि ये जितने भी मंत्र हम लिख रहे हैं, लिखने के बाद इनकी अक्षय ऊर्जा है। आपने अभी 1.25 लाख लिखे हैं, आप अगले 8 9 महीने 10 महीने में ये अपने 1.25 लाख के 9 पुरस्करण कर लेंगे, तो होगा क्या कि साल भर बाद आप क्या करोगे, एक ही बार में 9 लाख बीज मंत्रों की ऊर्जा, 10 लाख बीज मंत्रों की ऊर्जा उठा के डालेंगे आप। तो आपकी ये एक तरीके से वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस हो रही है, तो ये बड़ा विलक्षण सा पार्ट है। और ये एक ऐसे मंत्र और ये एक ऐसी चीजें हैं, मतलब जब मेरे पिताजी गए तो मैंने उस टाइम पर जितने भी रजिस्टर में, जब जहां जहां भी मंत्र लिख रखे थे, वो सारे रजिस्टर फाड़ के, वो जितने भी मंत्र थे वो सारे एक तरफ इकट्ठा करके, वो मैंने पिताजी के साथ ही उनको जो है अग्नि समर्पण कर दिया था। तो मैंने देखा कि उसका प्रभाव जो है बड़ा विलक्षण आता है। कि भाई से आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से करते हैं। हमारे लिए अभी तक देवास्त्र चिकित्सा का मतलब ये था कि कोई अनुष्ठान करना है, हव्य बलि देनी है, किसी को चीज को छोड़ना है, या जैसे कहते हैं ना कि इसने वो ले लिया कि भाई मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैं ऐसा ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, अधिकतर इस तरह से देवास्त्र चिकित्सा का हम यूज समझते थे। लेकिन मंत्र को इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर चेंज करके उसे अप्लाई करना, हालांकि अभी ये मेरे प्रैक्टिकल उसमें नहीं है, लेकिन अगर ये आ जाता है तो एक बहुत बड़े लेवल पे हम उसमें करेंगे कार्य इसके लिए। देखिए और ये शायद देवास्त्र, इसके लिए ही हुआ कि वो मैंने एक स्ट्रक्चर वाला जो काम था आपका कि भाई वो ऐसे लिखिए शरीफ और लिखना ही शुरू करिए, तो आपने कहा था 3,000, तो 3,000 तो लिखना मेरे जैसे टाइट शेड्यूल वाले व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन रात की नींद थोड़ा कम करनी पड़ेगी। अभी 10:30 से 3:30 होती है तो 11 करना पड़ेगा, तब वो आधा घंटा जो मिलेगा तो उसमें शायद 2,000 या 3,000 के करीब पहुंच जाए, लेकिन एक नहीं हजार उसकी तो लगेगा। आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं, जितना आप आराम से लिख सकते हैं उतना लिखिए, वो प्रेशर बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जो स्वाभाविक रूप से चीज होगी वो अपने आप ही अपना रास्ता बना देती है। लेकिन आप इस वाले इसमें कोशिश मैंने आपके ये साथ कर सकते हैं कुछ समय कि आप अपने राइट हैंड के साथ लेफ्ट हैंड से भी लिखने का प्रयास शुरू कर दीजिए, वही श्रीम लिखना है लेकिन लेफ्ट हैंड से लिखना है, भले ही चाहे आप रोज 10 बार लिख पाए, तो उसका प्रभाव क्या हो गया। और ये सेकंड स्टेज हो गई, और थर्ड स्टेज है कि आप दोनों हाथों से एक साथ ही एक समय पे लिखना शुरू कर दें। तो एक जम्मू की लेडी है, उन्होंने इस तरह से प्रयास करा था, तो उनके चक्रास वगैरह में बड़ी जबरदस्त जागृति हो गई थी, बहुत जबरदस्त। और होता क्या है कि जब भी आप दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं किसी भी एक कार्य के लिए, तो आपका जो मिड ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है, बट दोनों हाथों का प्रयोग करने से मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है। मिड ब्रेन एक्टिवेट होते ही आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं वो फिनोमिनली ग्रो करती हैं। तो ये मैंने नोटिस करा कि पूरी प्रक्रिया में, और वो जब लिखती थी और दोनों हाथों से लिखती थी, तो उसका जो सबसे बढ़िया प्रभाव ये पड़ता था कि समय कम लगता था। एक आदमी को 1.5 घंटा लिखता लगता है अगर 3,000 मंत्र लिखने में, तो उन्हें 45 मिनट लगते थे, पर वो अभ्यास से आता है। तो अगर हम 1 वर्ष के अभ्यास को लेकर चल रहे हैं, तो 1 वर्ष का उसका बिल्कुल आसान तरीका ये है कि जैसे आप 3,000 बार या 1,000 बार या 2,000 बार, जितने बार भी आप लिखते हैं रोज, इट डजेंट मैटर कितनी बार लिखते हैं, लेकिन रोज नियम बना लीजिए कि जब आप अपना लिख लें तो
10 बार लेफ्ट हैंड से जरूर लिखूंगा, केवल दस लास्ट दस हाँ लास्ट में 10 बार केवल लेफ्ट हैंड से लिखूंगा, 10 बार दोनों हाथों से लिखने का प्रयास करूंगा, बस इतना। और ये जो ऊर्जा है, जब ये आप अपने भीतर डालें तो उसमें ये प्रार्थना करें कि माँ आपने ही जो है वो अर्जुन को सब्यसाची बनाया, मुझे ये बीज मंत्र लिखने के लिए आप सब्यसाची बना दे। तो जब आप इस प्रकार से जो है वो दोनों हाथों का प्रयोग करेंगे तो एक तो समय कम लगेगा लिखने में, और दूसरा भीतर की जागृति बहुत फिनोमिनल होगी। और ये तो आप प्रयास करिए कि जब जब आप कोई कैंप लगाते हैं उसमें सफेद कागज और ये अपना लाल पेन सबको प्रोवाइड कराइए, ताकि जो है आपको इस बात की क्लैरिटी रहे कि ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे कि ये सब लोगों का जो वो मंत्र लिख रहे हैं उस पूरे क्षेत्र में वो ऊर्जा बढ़ती जाएगी। किसी भी घर में कोई भी व्यक्ति रोगी होके आपके पास आता है तो आप उसे बोलिए कि भाई लाल रंग के पेन से श्रीम लिखना है, तो जब वो घर घर में प्रक्रिया हो जाएगी और हर घर आपके प्रभाव की वजह से जो है वो रोग मुक्त होगा, तब ये पूरा पार्ट सफल होगा। अगर हम यही सोचते हैं कि भाई हम अकेले करने से ही सारे मतलब बिना हमारी दखल के कोई ठीक होगा तो उससे क्या फायदा होगा, हमारा क्या फायदा होगा, तो अगर हमारी सोच में ये वाली बात आएगी तो कभी भी बड़ा काम नहीं हो पाएगा। बड़ा काम होने के लिए वो प्रक्रिया को आपसे अलग होना चाहिए। लेकिन ये मानव मानव स्वभाव का हिस्सा है शायद ये। तो मैच्योरिटी के साथ साथ वो चीज आती है कि आदमी अपने आप को इन सारे जो मानवीय गुण है या अमानवीय गुण है जो भी आप कहिए उससे सेपरेट कर पाता है, आइसोलेट कर पाता है। शुरुआत वाली कंडीशन में तो व्यक्ति एक सामान्य स्तर पे ही सोच होती है उसकी, देखिए ऐसा उसमें है कि हम सबकी ना उसका एक स्पिरिचुअल जर्नी है, हम उस जर्नी पे चल रहे हैं। जब तक हम निष्पक्ष होकर किसी भी कार्य को नहीं करेंगे, भाई आप जिन पेड़ों के आम खाते हैं वो आपने थोड़ी लगाए हैं, आपको तो पता भी नहीं कि किसने वो पेड़ लगाए हैं, और आपको कोई फ्री में ही खिला जाए, तो जो कार्य है मतलब अगर आपको ईश्वरीय शक्ति चाहिए कि आप खड़े हो और एक साथ 1 लाख लोगों को मंत्र चिकित्सा करो, 1 लाख लोग ठीक हो जाएं, तो उसके लिए आपको अपने आप को इन चीजों से बाहर निकालना पड़ेगा। छोटी सोच हाँ, जो है वो छोटी सोच जो है वो बड़े लक्ष्य नहीं दे पाती। वो बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल सही बात है। उसके लिए प्रयास प्रयासरत हैं, लेकिन वो हमारी जर्नी है तो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए अच्छा, टाइम सब मैंने तो पहले दिन ही कुछ। मतलब शुरुआत का ही बिल्कुल टाइम था, एक दिन मैंने बैठ के ध्यान लग रहा था तो मैंने मन में इच्छा करी कि भाई मैं तो अगर कल को निमट जाऊं तो क्या होगा, ये तो मेरी जितनी भी रिसर्च है यहीं कहीं रह जाएगी, तो मुझे कोई एक ऐसी कमांड बनानी चाहिए जिससे कि उस कमांड को यूज करके व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को 2 मिनट में हील कर सके, और व्यक्ति अगर वो कमांड पढ़ रहा है तो भी वो ऑटोमेटिकली हील हो जाए। तो वो कमांड के मैंने रिजल्ट चेक करे, 2 मिनट से कम टाइम के अंदर सामने वाला हील होना शुरू हो गया। तो इसलिए कह रहा हूं कि आपको ऊपर वाला तब देगा जब आप विशेष इच्छाओं को जागृत करेंगे। चलिए डॉक्टर आर के आगे मैं उनको दे रहा हूं ताकि आप ये वाला एक नमस्कार सर। नमस्कार जी, ने एक बात में कह रहे थे कि अरे शुक्ला जी, हम तो ऐसे थे जैसे मदारी वाला बंदर होता है ना, जिधर को लेके चला उधर को चल दिए। तो अभी ऐसा खुद लगता है कि भाई डोर जो है वो ईश्वर के हाथ में है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा, अच्छा कर रहे हैं। और एकदम से पहले तो संभव नहीं होता है, क्योंकि पुरानी परंपराएं और पुराना जो आधार होता है उसको सब कुछ विस्मृत करके नए आधार के ऊपर अपनी पर्सनालिटी को खड़ा करना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। अगर वो गलत है, मान लिया वो प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से कहीं से दूषित है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति के वो हार्ट टचिंग कभी नहीं करेगी। तो जो किसी भी चीज की एडेप्टेबिलिटी के लिए जो एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर इसी वजह से होता है कि वो एक
प्रोफेशनल स्किल डेवलप हो गई है तो उसपे नई चीज को ऐड करना थोड़ा सा सोचता है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने एक मित्र के साथ, यहाँ डॉक्टर अश्विन सचिन चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ भी डिस्कस कर रहा था कि कोई नई एंटीबायोटिक आपके उसमें आती है, वो जब हमेशा मिलते हैं क्योंकि मैंने उन्हें ल्यूकोडर्मा से ठीक किया था प्राण प्रहार से, तो बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक, कहीं एक स्पॉट नहीं है। तो वो काफी, और जब मेरा वो डिस्कशन हुआ उनके साथ तो वो मुझे बैठा के अपनी कार में यहाँ करमसद मेडिकल कॉलेज ले गए। मुझे लग रहा था, मेरे सोच बता रही थी कि व्यक्ति MBBS MD और PDM में डिप्लोमा है तो मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा है कि भाई यहाँ का, यहाँ हम पढ़े हैं, यहाँ वो है, हम गुरुकुल के पढ़े लिखे हैं तो वो बात अलग है, और कुछ ब्राह्मण का स्वभाव होता है पंगे लेने का। तो मैं चला गया, तो वहां पे हमारा डिस्कशन हो रहा था पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो एडिनल एडिनल से पहले डिस्कशन हुआ, फिर उन्होंने पूरा पैथोफिजियोलॉजी पूछी उसकी कि क्या होता है कैसे होता है। पर वो स्वित्र में ये नहीं जानते थे, ल्यूकोडर्मा में, कि जो स्वित्र कहते हैं, इसका नाम स्वित्र है, वो शिव आए इसलिए कि साउथ इंडिया में एक जगह है वैदेश्वरन कोइल। तो वैदेश्वरन कोइल में वहां पे भगवान धन्वंतरी को बरिड किया हुआ है, उनकी समाधि है, तो उसके ऊपर वैदेश्वरन का लिंग स्थापित है, शिवलिंग स्थापित है। तो वहां के बारे में कहानी ये कहते हैं कि भगवान शिव ने मंगल ग्रह से एक व्यक्ति को भेजा धन्वंतरी जी के लिए कि इसको ठीक कीजिए। तो वो ल्यूकोडर्मा का पेशेंट थे, तो वो ल्यूकोडर्मा में उनको वो नहीं कर पाए, उनको ठीक नहीं हो पाए। तो ठीक नहीं हो पाए तो ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव ने ऐसे उनको पीछे करके, और लप्पो होती है ना ऐसे, अपनी चुल्लू से ऐसे मिट्टी उठाई और उनको लेप कर दी। आज भी वो, अगर आप उस तालाब में जाएंगे, अभी तो वो बना दिया तालाब, तो वहां पे वो तालाब इस तरह का है कि आप उसमें एक सिंगल डुबकी लगा लीजिए, व्यक्ति कैसा ही विटिलिगो का पेशेंट हो, वो 1 महीने में अपना आप ऑटोमेटिक हील हो जाता है, कुछ करने की जरूरत ऐसा ही किस चीज का पेशेंट? नहीं। न्यूक्रोडर्मा का। ल्यूकोडर्मा का, तो वहां से इसका नाम स्वित्र पड़ा, स्वित्र। तो मैंने यहाँ से, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली ट्रेवलिंग होती है तमिलनाडु में, तो मैंने कम से कम 3-4 पेशेंट के ऊपर देखा ये प्रयोग। अच्छा, एक तो 62 ईयर के थे, तो वो वहां गए, 7-8 दिन वहां रहे और वो डुबकी लगाए बाहर आ गए। और वहां के ब्राह्मण भी ऐसे हैं कि आपका माथा देख के आपका नाम गोत्र वोत्र पता नहीं कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कैसे आए, सब बता देते हैं, कुछ भी नहीं करते। जैसे अपने बागेश्वर बाबा जी है ना, ये तो पूरे एक डिफरेंट काइंड से उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं उस चेतना को, लेकिन वो वहां के स्थल में है, ब्राह्मणों के स्थल में है वो वहां पे। और वहीं पर एक ऐसा कार्ट है लकड़ी का बना हुआ, कि जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी है ना, या चंद्रप्रभा वटी है, तो उसका एक छोटा सा खाना है, उसको कार्विंग से दर्शाया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग। कार्विंग से कार्विंग से एक एक मेडिसिन को बताया गया है कि इसके बाद ये मिलाना, ये मिलाना, ऐसे घोटना, ऐसे आग लगानी, सब कुछ छोटे 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 मैग्नीफाई ग्लास हो बड़ा सा, तो देखोगे आप तो समझ में आएगा कि यार क्या चमत्कार किया हुआ है। और जैसे वो भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, ऐसे वो धनवंतरी वाले जो वो होता है दिविस, उसमें वो पूरे शहर में उसको घुमाते हैं। तो उस लेवल पे जाके काम करना और फिर इस तरह की चीजें आप लोगों के साथ जुड़ के सीखना और उसको अप्लाई करना, तो बस मेरे लिए, मैं जो बता रहा था ना आपसे, मेरे लिए यही है कि रास्ते में जा रहे थे, कुछ अच्छा मिल गया, उठा के ले आए, अब उसे हाथ में लेके सोच रहे हैं कि बेटा सोफा शिफ्ट करें कि यहाँ रखें, क्या करें। बाकी कुछ समझ से परे है। चलिए, मैं 1.25 लाख लेके आया हूँ, बात कहीं की बात कहीं चली जाती है, सॉरी। अच्छा, तो पहले आप ना एक छोटा सा अपने शरीर के अंदर देखिए, बस बहुत क्रिस्पली क्या भाव और क्या हिसाब है शरीर का, फिर हम इस ऊर्जा को डालेंगे और फिर पूछूंगी क्या फर्क है।
जी मैम। अभी आपने क्या करना है, सिर्फ डीप ब्रीदिंग करनी है, आंखें बंद करके, और ये अपनी डायरी खोल दीजिए। जी सर, मुझे कुछ करना है मैम? क्या ऑब्जर्वेशन है? बल्कि चेंज किया। पहले और अब के मुकाबले में तुलना करें तो एकदम से टेम्परेचर भी चेंज हुआ है, मुझे लगता है। हीट आ रही थी बहुत वहां से, पता नहीं अब क्या कैरी किए हुए थे आप। जी गरम हवा, हाँ, टेम्परेचर बढ़ गया है, मुझे लग रहा है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है। फील करें। शरीर में तो कहीं से कोई कोई कंजेशन या कोई ऐसा वो नहीं है, साइन नहीं है कि कहीं कोई डिस्कम्फर्ट हो, एक एक जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन, कोई किसी तरह का कुछ नहीं, एकदम लाइट पहले बॉडी है। था, नहीं, मैं कंपैरेटिव पूछ रही हूँ, कंपैरेटिव। हाँ, पहले और अब के मुकाबले में भी थोड़ा सा और ज्यादा लाइटनेस बढ़ गई है, शरीर जो है एकदम से हल्का है अब।
बहुत बढ़िया। और अभी आंखें बंद करते हैं, टंग टू पैलेट करते हैं, तो अभी सामने जो है वो जैसे हल्की सी सुनहरी कलर का कुछ होता है, तो वो एक आकृति सी बनती है, ऐसे बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है ऐसे, ठीक है, लेकिन वो क्लियर नहीं है कि आकृति है कौन। और एक यहाँ पे माथे के बीच में कुछ है, हाँ माथे के बीच में कुछ है। पहले कभी कभी बहुत लंबे समय तक सांभवी की प्रैक्टिस करते थे, तो जैसा वहां पे होता था अभी ऐसा बिना सांभवी के हो रहा है। टाइम कितना लिया हमने? रिकॉर्डेड है 42 मिनट। 2 मिनट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और शाम्भवी की जो प्रैक्टिस करते हैं आप, वो एक प्रोसेस है, उसमें कितना टाइम लगता है? 30-35 मिनट। ऊर्जा भेजी है, ठीक है, वो तो ठीक है। अब आप ये ऊर्जा उठाइए और अपनी वाइफ में डाल दीजिए। अपनी माफ वाइफ में, कीजिए बच्चों मैडम, में। वो अभी मासिक में है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे पूजा वगैरह में नहीं आते, हवन में नहीं बैठते, वैसे कोई नहीं बात करते, नहीं, इससे कोई उससे कोई फर्क फर्क। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं तो ऊर्जा डालने का क्या तरीका होगा ऐसे करके, और ये मान के कि मैं उनमें डाल रहा हूँ और डाल दूँ? पड़ेगा। ऊर्जा नहीं लेकिन अभी तो ये मेरे हाथों में नहीं आती, मेरे हाथ इतने दूर हैं और ये मुझे महसूस हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से महसूस हो रही है, जैसे एक रुई का वो होता है ना बड़ा सा, वो बना लेते हैं, ऐसा महसूस हो रही है ऐसा ऐसे। है, आपने लिखा है ये, आपको पता है ये आपने क्या लिखा है, ठीक है? तो हर बारी उसको हम मेजर नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है, ये तो मेजरमेंट की चीज है, आपको बताने के लिए कि पता होना चाहिए, है ना? उठाइए इसको, ठीक है, और अरे एकदम से हाथ से निकलने तो दीजिए, मतलब जाने तो दीजिए, पूरा एज्यूम पूरा करना है। जब आपने अपनी पत्नी को मतलब एक तरह से इन्वोक किया, तो वो आपके सामने ही है, डाल दिया, डिस्कनेक्ट करिए। जब जब आप किसी को भी इन्वोक करते हैं, आप कनेक्टेड हो जाते हैं, और जब कनेक्टेड हैं तो डिस्कनेक्ट करना बहुत जरूरी है जी हमेशा। अब बच्चों को, बच्चों में अब पूरे घर में, घर के वास्तु पुरुष में, घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक डायगोनली सर से शुरू करते हुए और मूलाधार तक
इस तरह से डायगोनली उसको एज्यूम करते हुए उसके लंबी आग्र में डालती है। जी मैडम, पर ये ऐसा है जो अभी एनर्जी हमने उठा के डाली है, ये बहुत तरह से हेल्प करती है। इसको कोई एक हम वो नहीं कर सकते, एक एक ही चीज में हेल्प करेगी, नहीं, मल्टी फोल्डेड मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स में ये हेल्प करती है। बिल्कुल जी। ये एनर्जी को उठा के अपने गोत्र के ऋषि में वहां पर वास्तु पुरुष को भी डिस्कनेक्ट करना है। हाँ, सबको डिस्कनेक्ट, सबको साथ साथ में करते रहना। पितरों को अब अपने राष्ट्र को, वो आरएसएस वाला जो नक्शा है भारत माता का, उसी से जी हो गया। अब अपने आप को ऑब्जर्व करिए, क्या फर्क लग रहा है। नहीं बताया जा सकता, कुछ तो है, बदलाव तो है। ये जो अभी प्रैक्टिस की है, इसको समझने के लिए ब्राइट ब्राइट सा दिख रहा है और हाथ तो पूरे गर्म हो गए हैं मेरे। फील कर पा रहे हैं हीट को। हाँ महसूस कर पा रहा हूँ, इतनी दूर से महसूस कर पा रहा हूँ, 1-1.5 इंच से महसूस कर पा रहा हूँ। और अंदर से एक काफी हीट है, काफी काफी हीट। हाँ वो तो है, वो तो बहुत बदल गया। मैंने बताया ना आपको कि टेम्परेचर चेंज है, दिख रहा है 1 से 2 डिग्री तो बदला होगा। थर्मामीटर नहीं है मेरे पास अभी, वरना कल करूंगा तो फिर मीजर करूंगा। नहीं, वो ऐसे मेजर भी नहीं होगा, ये वाला टेम्परेचर ये भाव के साथ में मेजर होता है, ये उसमें वैसे नहीं। हाँ, लेकिन बुखार हो किसी को, वो उतर जाए। बहुत सारी चीजें, पर ये जो आपने अभी किया है ना, इसको समझिएगा, मतलब ये भाव को, ये प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा
अपने साथ में टाइम स्पेंड करना होता है इसके साथ। लेकिन इसको समझ लेंगे, पर्टिकुलर कोई गाइडलाइन है या जो मन बताए ऐसे ही समझे? नहीं, पहले तो मन की बात सुनिए, वो शेयर करें, फिर गाइडलाइंस भी बताएंगे, क्या डिस्क्रिपेंसी आती है फिर वो बताएंगे। ठीक है, जैसे स्काई गेजिंग आपने करी, जो गाइडलाइन थी वो बाद में आई। अगर गाइडलाइंस पहले हो जाती हैं तो हम सिर्फ उतनी सोच रख वो सकते हैं, विजुलाइजेशन वही होने लगता है फिर। जो अपना थॉट है, ओरिजिनल थॉट, उसके साथ में कनेक्ट होना। अभी आप 7 मिनट से 10 मिनट अपने साथ स्पेंड कीजिए। मैं यहां से अपने आप तो ऑफ करूंगी, 10 मिनट। मेरा जूम खुला रहेगा मैडम, जब 10 मिनट हो जाए तो आप ही वहां से बोल दीजिए। ठीक है, मैं आपको वो कर रही हूँ, उसमें रूम में डाल दूंगी, ठीक 10 मिनट बाद में ऑन करूंगी। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मजा आ गया। आप 10 मिनट नहीं, अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट। नहीं, दीर्घ अभ्यास है मुझे बैठने का। तीन 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 दिन तक मैं लगातार, 3 दिन 2 रात तक लगातार बैठा हूं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन एकदम एकदम हल्का हो गई है बॉडी। ऐसा लग रहा था कि सामने कोई है और उसके पास से, जैसे पीछे से कोई किरणें आती है ना, वो वैसा लग रहा था। कुछ देर के लिए रहा वो, करीब 15-20 मिनट, वो 15-20 सेकंड के लिए रहा। मुझे लगा कि कुछ, मतलब मेरा फोकसिंग उधर है, तो मैंने आई बॉल का थोड़ा सा मूवमेंट किया, लेकिन वो गया नहीं, वो ऐसे ही एज इट इज रहा। एकदम लाइट है बॉडी, एकदम से लाइट। अभी मुझे लगता है कि कहीं बैठूंगा ना कहीं, तो अभी हाथ ही नहीं बताएंगी, ऊर्जा को मेरा शरीर भी बता दिया करेगा। यूजली डॉक्टर शुक्ला के साथ में बहुत बारी ऐसा होता है, कहीं पे जाए ना तो उनको ये फीलिंग हो जाती है। चेंज है, लिप मार्जिन में भी एक अलग सा चेंज है। प्राण सुषुम्ना में है, दोनों नाड़ी में समान चल रहा है। और पांचों ज्ञानेंद्रियों के पास, आंख को छोड़ के किसी के पास कोई सेंस नहीं है। आंख भी फोकसिंग करता हूं कि सामने ये है तो वो दिखाएगी, अदरवाइज तो कुछ नहीं, लाइट है बस। बहुत बढ़िया, अभी करीब 8 या 9 दिन से, जब से वो लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड में वो देखा था कि जब श्वास जाएगा, पहले शिवो हम की आवाज करते थे, अंदर जाएगा शिवो बाहर आएगा हम। अभी वो श्री अंदर जाता है बाहर आता है श्रीम, और जो बीच का पोज है क्लीन, श्रीम ह्रीम क्लीन, श्रीम ह्रीम क्लीन, वो चलता रहता है। तो वो पूरा का पूरा साइक्लिक प्रोसीजर में चल रहा था। वो याद आया माइंड को एक बार कि वो श्वास जा रहा है आ रहा है, जा रहा आ रहा है, फिर अचानक शटडाउन हुआ और फिर ब्रीथ नहीं थी, ब्रीथ थी नहीं कोई, मतलब जैसे वो एकदम पूरा एक्शन होता है कि डायफ्राम नीचे जाएगा, टमी ऊपर आएगी, वो होगा, वो ऐसा कोई भाव नहीं था। वो तो ठीक है, पैसेज खुला है तो एयर ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन वो ब्रीद के रूप में ब्रीद नहीं थी, श्वास के रूप में श्वास नहीं थी। और वो ऐसा कम से कम वो बाद का जो जब आपका वो आया ना, तब तक मैं ब्रीदलेस वाली कंडीशन थी, वो था ही नहीं। बहुत बढ़िया है, एब्जॉर्ब करें। पहले हम प्राण को सुषुम्ना भेज में भेजने के लिए योगदंड या राजाधिराज आसन के लिए करते थे कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस को प्रेशर करिए तो वो शिफ्ट हो जाता था प्राण। लेकिन अभी वो एज यूजुअल थोड़ा सा हमने सोचा और वो शिफ्ट हो जाता है एकदम। लेंथ भी प्राण की नाभि तक ही है। मजा आ गया, इसके अलावा कोई शब्द नहीं। चलें जी, आप आनंद में रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार, शुक्ला जी को हैंड ओवर करते हैं हम। थैंक यू, नमस्कार। हाँ जी सर, माफ कीजिएगा, पढ़ने का मूड नहीं है। हाँ, नहीं पढ़ा और अभी नहीं, 9:20 हो गए, पढ़ा नहीं, से भी नहीं है। अभी जो आपको है सिर्फ अभी टू क्या करना है क्या नहीं करना है सिर्फ वो बता ही रहा हूँ मैं सर, कुछ नहीं। डोज पे जाते हैं। ठीक है सर, बताइए प्लीज। तो पहला पार्ट ये है कि आपको ये प्रक्रिया जो है दिन में 3 बार दोहरानी है, और उसमें उसी तरीके से अपने में, पत्नी में, बच्चों में, घर में, गोत्र के ऋषियों में, पितरों में और राष्ट्र को। तो जब आप इस प्रकार से डालना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा का जो विस्तार है वो इम्प्रूव होता जाएगा। हिंदू पुस्तक पहुंच जाएगा। और जहां जहां तक पहुंचना है वो पहुंच ही जाएगा। खैर, तो इससे क्या होगा कि आपका मैंने मतलब बहुत बार ये देखा कि जब हम कोविड के टाइम पे दूसरों की हीलिंग कर रहे थे, या मान लीजिए मैंने आपको मंत्र सिखाया और आप जो है वो ऊर्जा डाल रहे थे उठाकर अपने भीतर, तो वो ऊर्जा कहाँ तक जाए, जैसे ही वो विस्तार बढ़ता था, अपने अपने परिवार, अपने घर के बियॉन्ड जाता था, ऊर्जा एक विलक्षण तरीके से बढ़ती थी। तो मुझे समझ में आया कि इस प्रकार से हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं दे रखी थी उसमें जन कल्याण जो है वो एक इम्पोर्टेंट पहलू था। तो जब आप आपके घर के आसपास कोई भी पितृ और उसके अवस्था के तौर पर है तो उसको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाए इस हिसाब से, और ये प्रक्रिया आप रोज कर रहे हैं दिन में 3 बार, तो आपके तीनों शरीर जो हैं वो स्वस्थ और बढ़ते चले जाते हैं। ये मेजर पार्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन था शुक्ला जी, जी कल अभी छोटा मोटा आंसर हो तो अभी दे दीजिए वरना कल दीजिएगा। हमारे जो तीन शरीर हैं इसमें पर्टिकुलर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महा सती या महाकाली, इनमें से कोई एक शरीर किसी एक अधिष्ठात्री देवी के हिस्से में आता है, या तीनों शरीर के रूप में उनका प्रभाव देखिए, समान ही है? दुर्गा सप्तशती ये कहती है कि महालक्ष्मी रजोगुण स्वरूप प्रधान अधिष्ठात्री हैं, उनसे महाकाली और महासरस्वती दो स्वरूप सतोगुण और तमोगुण के रूप में प्रकट हुए। तो जब ये इस तरह से बोला जा रहा है, और महालक्ष्मी को वो निर्गुण अवस्था में देखते हैं कि निर्गुण में भी महालक्ष्मी है और सगुण में भी है, तो वहां पर क्या चीज का मतलब, जो दुर्गा सप्तशती में जो रहस्य है, मतलब आखिरी 3 चैप्टर जो है, तो पहला रहस्य ये कहता है कि ये महालक्ष्मी से ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी पैदा हुए, महासरस्वती से काली काली और ये क्या कहते हैं फिर विष्णु जी प्रकट हुए, और महाकाली से सरस्वती और शिव जी प्रकट हुए। तो इस प्रकार से जो ये प्राकट्य हुआ तो निर्गुण अवस्था में भी ये सब लोग हैं, मतलब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और इनके अलावा जो 6 लोग हैं ये निर्गुण अवस्था में भी हैं, बट वहां पर ये 6 भाई बहन के तरीके से हैं। और जब ये सतरज और तम निर्गुण से सगुण अवस्था आती है तब ये जो है ये परिवार के तौर पे
युगल दूसरे तरीके से हो गए। तो जोड़े तो हैं, लेकिन जोड़े शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं वो फर्क हो गया। अच्छा, तो वो पार्ट उन्होंने बड़े क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये कहीं भी नहीं है कि ये 6 और वो 3, मतलब ये 9 जने, कोई काल ऐसा हो जिसमें ये ना हो, ऐसा कोई काल नहीं है, निर्गुण अवस्था में भी और सगुण अवस्था में भी। लेकिन स्वरूप और कार्य क्षेत्र बदल रहा है, जी ठीक है ना। आपकी शादी नहीं हुई है, आप भी हो और आपकी पत्नी भी है, होने में कोई वो नहीं है, लेकिन जब शादी हुई तो घर बदल गए, आचार विचार व्यवहार बदल गए, वो सब कुछ उसके तौर पर है। तो ये दुर्गा सप्तशती का जो रहस्य है वो यही वाली बात के तौर पे कर रहा है। तो जब तक हम अपनी प्रक्रिया को इतना विस्तृत ना कर लें कि हमारा जो रोज का कार्य है वही काम ईश्वर का भी हो, तो हमारे को चारों तरफ से हमारी शक्तियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति को पावर क्यों मिलती है? क्योंकि जब वो ईश्वर का कार्य करना शुरू कर देता है, ईश्वर का कार्य होता है न्यूट्रिशन का डिस्ट्रीब्यूशन। ये मुझे पता चला तंत्र राजतंत्र पढ़ के। हाँ न्यूट्रिशन का डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। वो वही बात हो गई ना, इंग्लिश में आप उसको जो है ऐसी बोलेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन इसका जो शास्त्रोक्त वर्ड है वो क्या समझ में आया? शास्त्रोक्त इस तरीके से तो लिखा ही नहीं है। शास्त्रोक्त ये है कि जो ललिता देवी जो हैं वो श्री यंत्र की प्रधान अधिष्ठात्री है। ललिता देवी का जो स्वरूप है उस स्वरूप में एक बिंदु है और उस एक बिंदु के अंदर 3 बिंदु हैं। तो वो 3 बिंदु कहाँ से आए? उसको जब संस्कृत से जोड़ा गया तो पहला बिंदु जो था वो अनुस्वार था अच्छा, और जो दूसरा बिंदु था वो विसर्ग था। तो विसर्ग में 2 बिंदु आते हैं। तो जो एक बिंदु था उसको मुख कहा गया और जो 2 बिंदु थे उसको स्तन कहा गया। तो जब मुख है तो मेरे गुरुजी क्या बताते थे कि मुखिया मुखसो चाहिए, मुखी मुंह जो है मुख, मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया मुखसो चाहिए। तो वहां पर वो जो लाइन बोलते हैं, मुझे पूरी याद तो लाइन नहीं है अभी एकदम से, हाँ, कोई ये बात नहीं। रामचरितमानस की लाइन है ये। हाँ, तो उसमें उन्होंने बोला कि जो मुख होता है वो कभी भी कोई भी चीज अपने लिए नहीं रखता, वो जो भी चीज मुंह में जाती है उसको वो वहां भेज देता है जिस अंग का उसे पोषण करना होता है। तो उसमें लाइन कैसे है, मुखिया मुख से चाहिए सकल अंग पोषण करे, ऐसे करके कुछ लाइन थी। मैं एकदम धीरे धीरे याद आ रही है, अभी आ जाएगी। अगर मान लीजिए कोई एक छोटी सी भी चीज गलती से दांत में अटक गई तो जीव उसमें बार बार टच करके उसको वहां से बाहर निकाल देते। मतलब मुखिया जो है वो अपने लिए कुछ नहीं रखता, जो कुछ है वो सबको बांट देता है। सार तत्व ये है। सार तत्व ये है मुख का, कि मुख वहां पे क्यों लिखा गया वो। और फिर वहां पे जो 2 स्तन थे, स्तन का काम होता है पोषण करना। हाँ, तो मुख का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और उसका मतलब पोषण। तो पोषण का डिस्ट्रीब्यूशन करना ये दैवी कार्य है। कब किसका पोषण होना है ये टाइम चार्ट है। तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस टाइम के डोमेन में होते हैं कि भाई ये आएंगे ही। इसको आप ऐसे मान लो ना, मोदी को बल मिला तो उसको जो बल मिला क्यों मिला? क्योंकि वो किसी चीज का न्यूट्रिशन को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। केजरीवाल को बल मिला क्यों मिला? क्योंकि वो अपनी डोमेन में किसी न्यूट्रिशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। राहुल गांधी को बल मिला क्यों? वो अपनी डोमेन में किसी चीज को न्यूट्रिशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। मायावती को बल मिला तो, मतलब इन सबके कार्यप्रणाली को अगर हम स्टडी करेंगे, मायावती ने जितने पीपल बरगद जामुन के पेड़ 3-4 शहरों के अंदर लगवाए, उस जितना जबरदस्त वृक्षारोपण उसने करा उतना किसी ने नहीं करा।
उस वृक्षारोपण का फल हमें आज मिल रहा है क्योंकि करा तो उसने अपने काल में था। 10 साल में पेड़ मजबूत होता है, तो उसके तौर पे मायावती के टाइम पे जो है ये लाल वाले पत्थर को जो उसकी कारीगर थे वो विलुप्त होने वाले थे। अगर मायावती नहीं आती तो वो सारे कारीगरों के परिवार भूखे मर जाते क्योंकि हमारे यहाँ उस पत्थर का काम ही नहीं होता था। और वो ज्यादातर लोग जो राजस्थान और इसके आसपास के क्षेत्र के थे तो वो भूखों मरने वाले थे। तो किसी ने उनके न्यूट्रिशन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा। जो जयललिता जो थी उसने अम्मा किचन शुरू करा था। अम्मा किचन मतलब कि 2 रुपए 5 रुपए में भोजन मिलता है तो भिखारी भी जाए तो भरपेट खाना खा सकता है। तो वो ये सब लोग बड़े तभी बने जब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नरिशमेंट करा। ठीक। तो इसलिए अच्छा मैंने एक बात, आपको बोला कि जब आप ये 1.25 लाख बीज मंत्र उठाते हैं तो ये अपने में डालिए, पत्नी में डालिए, बच्चों में डालिए, इस घर में डालिए, गोत्र के ऋषियों में डालिए, पितरों को डालिए और इस राष्ट्र को डालिए। तो जब आप इन सबको देते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नरिशमेंट कर रहे हैं। मंत्र वहां काम करता है जहां अन्न काम नहीं करता। तो जब व्यक्ति इस लोक से उस लोक में जाता है और उस लोक में जाने में उसको बाधाएं उत्पन्न हो रही होती हैं, वो बाधाएं इस मंत्र से दूर होती हैं। अब कोई व्यक्ति अगर पितृवस्था में कष्ट में है तो वो आपके कुल कुटुंब को ही कष्ट देगा। इसलिए आपने पितरों को जब उस मंत्र का एक एक हिस्सा दिया तो उनको मुक्ति मिली। जब उनको मुक्ति मिली तो वो आपके कुल कुटुंब के ऊपर भी कृपा बनाएंगे। तो मतलब धीरे धीरे आप देखेंगे इस प्रक्रिया को साल भर बाद कि आपके पूरे परिवार कुल कुटुंब में ही समृद्धि बढ़नी शुरू हो गई। वरना होता क्या, एक आदमी करोड़पति बन गया, बाकी सब उसकी हाय लगा लगा के देखो ये ऐसा बन गया, इसमें घमंड आ गया, इसमें ये हो गया, इसमें वो हो गया, वो कुल मिला के उसे ऊपर से नीचे गिरा लेते हैं। तो इस कारण से मुझे समझ में आया कि प्रक्रिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नरिशमेंट जो है वो मूल है। अच्छा, जैसे ललिता देवी के लिए बताया कि प्रधान अधिष्ठात्री हैं, और पहले एक बिंदु है अनुस्वर है, दो बिंदु है विसर्ग है, मुख है और स्तन इनका रिप्रेजेंटेशन है, तीसरा बिंदु क्या है? दो होते हैं ना स्तन, एक और दो, तीन ही तो हो गए। हाँ अच्छा, वो दोनों को मिला के फिर तीन, यही है तीन बिंदु? अच्छा ठीक है, ओके, मुझे लगा कि तीसरा फिर कोई तीन अलग से होंगे। तीन नहीं, नहीं ठीक है, समझ गया समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका।